पश्चिम बंगाल की बीजेपी नेता पमेला गोस्वामी कोकीन के साथ गिरफ्तार की गई है, जिसके बाद से बंगाल में बीजेपी को काफी धक्का लगा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां काफी जोरों पर हैं। बंगाल में बीजेपी दीदी की टीएमसी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में जुटी है, लेकिन पुलिस ने बीजेपी की युवा मोर्चा की नेता पमेला गोस्वामी को प्रतिबंधित नशीले पदार्थ यानी कोकीन के साथ गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अपराधनामा। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बीजेपी युवा मोर्चा की पर्यवेक्षक और हुगली जिले की महासचिव पमेला गोस्वामी को शुक्रवार को अलीपुर इलाके के NR एवेन्यू से गिरफ्तार किया गया। जिस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया, उस वक्त उनकी कार से तलाशी के दौरान 100 ग्राम कोकीन बरामद की गई। पमेला के साथ उस वक्त उनके दोस्त प्रबीर कुमार डे भी मौजूद थे। पुलिस का कहना है कि पमेला की गिरफ्तारी के समय उनके साथ केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी मौजूद थे, यानी केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में ही कोकीन का इस्तेमाल किया जा रहा था। पमेला की गिरफ्तारी की खबर सामने आते ही पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल मच गई। पमेला बीजेपी की युवा मोर्चा की काफी सक्रिय नेता है, वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती है। वो आए दिन सोशल मीडिया पर पार्टी की एक्टिविटी के बारे में जानकारी भी देती है। पमेला अपने सोशल अकाउंट पर बीजेपी नेता मुकुल रॉय और बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के साथ भी नजर आ चुकी हैं। आपको बता दें कि पमेला गोस्वामी ने साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। उस वक्त पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। फिलहाल वर्तमान में पमेला बीजेपी युवा मोर्चा की पर्यवेक्षक है और हुगली जिले की महासचिव पद पर कार्यरत है। वो बीजेपी की हर रैली और महासभा में पहुंचकर पार्टी के लिए प्रचार अभियान में मदद करती है। हाल ही में कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित हुए पराक्रम दिवस कार्यक्रम में पमेला मौजूद थी। ये कार्यक्रम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125 जयंती के मौके पर आयोजित किया गया था, जिसमें खुद पीएम मोदी ने भी शिरकत की थी। राजनीति में आने से पहले पमेला एयर हॉस्टेस भी रह चुकी हैं। इसके साथ ही उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में भी कदम रखा। उन्होंने बतौर एक्ट्रेस बंगाली टेलीविजन में भी काम किया है। फिलहाल पमेला का कहना है कि उन्हें विपक्षी पार्टियों ने अपना निशाना बनाया है और खुद को झूठे केस में फंसाए जाने की बात कही है। पमेला की गिरफ्तारी को कुछ लोग साजिश बता रहे हैं तो कुछ इससे अब सियासी फायदा उठाने की जुगत में लगे हुए हैं। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।